नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो अब मैं आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डबल टॉप। तो मैं आज आपको बताऊंगा डबल टॉप पैटर्न के बारे में कि डबल टॉप पैटर्न किस समय फॉर्म होता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका हमें टारगेट क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि डबल टॉप पैटर्न जो है दिखता कैसा है। तो डबल टॉप पैटर्न के बारे में हम ये चर्चा करेंगे। तो डबल टॉप पैटर्न देखिए, एक इसकी फर्स्ट पीक होती है, सेकंड पीक होती है, ये थोड़ी पीक थोड़ी छोटी है। तो मैं आपको जो है इसको इसमें करके दिखाता हूँ, रुकिए। तो देखिए, पहले मैं आपको एक पिक्चर एक बना के दिखाता हूँ कि डबल टॉप पैटर्न जो है मतलब हमको किस फॉर्म में देखना चाहिए। तो देखिए, डबल टॉप पैटर्न के लिए हमको एक रैली चाहिए। जैसे समझ लीजिए डबल टॉप, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डबल टॉप जो है एक पीक पर बनता है। तो जब इसकी ये फर्स्ट पीक बनती है, मैं इसको जो है येलो कलर कर देता हूं तो आपको जो है अच्छे से दिखाई देगा। तो एक रैली के बाद बनता है। जैसे समझ लीजिए यहां पर एक रैली हो गई, रैली होने के बाद एक फर्स्ट पीक बनी है। फर्स्ट पीक बनने के बाद यहां पे स्टॉक जो है देखिए कुछ नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर यहां पर स्टॉक जो है फिर ये जो अपने ट्रेंड की तरफ निकल पड़ता है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैं अपने आपको यहां पर बताया कि ये हो गई फर्स्ट पीक, ये फर्स्ट पीक हो गई एंड दिस इज द सेकंड पीक, और ये सेकंड पीक हो गई। और आफ्टर दैट यहां पर जो है जब यहां पर इसका ब्रेकआउट होगा, अब देखिए अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर एक इस तरह से रेजिस्टेंस हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट पीक एंड दिस इज द सेकंड पीक, ये फर्स्ट पीक है और ये सेकंड पीक है। मतलब हमको डबल टॉप पैटर्न देखने के लिए दो पीक चाहिए होते हैं, और वो पीक हमको कब देखना है, आफ्टर ए अप ट्रेंड, आफ्टर ए रैली। जहां जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, यहां पर एक रैली हो गई, रैली होने के बाद जो है स्टॉक ने कुछ नीचे की तरफ रुक किया, नीचे की तरफ करने के बाद फिर जो है स्टॉक अपने ट्रेंड में आया। बट जो इसका लास्ट जो हाई लगा हुआ था, जो फर्स्ट पीक की जो हाई लगा हुआ था, इसको नहीं निकाल पाया। और आफ्टर जो है इसने यहां पर रेजिस्टेंस लेकर यहां पर कोई बियरिश टाइप की कोई कैंडल बनी और यहां पर जो है देखिए आप नीचे की तरफ ही आ गया। तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को चार्ट में लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि चार्ट में मतलब कब कब ये पैटर्न बने थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये गोदरेज इंडस्ट्री का मैंने चार्ट खोला हुआ है। अब यहां पर आप देखिए, इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, कुछ चीजें इंटरनल चीजें बताऊंगा जो लोग शायद आपको नहीं बताते हैं, जो चीजें आपको मतलब नहीं बताई जाती हैं, मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगा। अब देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक रैली हुई है। ये देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो यहां पर जो प्राइस का जो हाई लगा हुआ है वो 656 लगा हुआ है। अब देखिए, इसमें मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूं। जब भी ये फर्स्ट पीक बनता है तो हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि अब जो है मतलब इसका जो है डबल टॉप पैटर्न बनने वाला है, मींस वी डोंट नो दैट इट विल फॉर्म डबल टॉप पैटर्न। और देखिए, ये रैली होने के बाद जो इसका हाई लगा सिर्फ 656 लगा। दूसरी बात देखिए, हमको क्या फोकस करना है डबल टॉप पैटर्न को कंसाइडर करने के लिए, ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रैली होनी चाहिए ये 10 से 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो डाउनफॉल जैसे जो आप करेक्शन देख रहे हैं, जो हाई लगा 656 का हाई लगा है, और ये जो नीचे की तरफ जो एक करेक्शन होती है, तो ये करेक्शन जो है ये दिस शुड नॉट मोर देन 10 to 20%, ये 10 से 20% के बीच में होनी चाहिए, नॉट मोर देन 20%, ठीक है। और दूसरी बात मैं इसमें आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप इसका हाई देखेंगे तो इसका हाई है 657.6, मतलब 657 रुपए 60 पैसे, और आप यहां पर इसका हाई देखेंगे तो इसका हाई है 651.05, मतलब यहां पर 651 रुपए और 652 रुपए के बीच में है। तो देखिए, यहां पर प्राइस जो है बिल्कुल बराबर लेवल का नहीं है, मींस वो 657 है, यहां पर 652 है, तो यहां पर जो है 5 रुपीज का डिफरेंस है। अब मैं यहां पर जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, अगर हो सके तो इसको कॉपी पेन लेकर नोटिस भी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये जो पीक है इन दोनों का डिफरेंस 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों या तो ये 3% नीचे हो, ये 3% ऊपर हो। जो फर्स्ट पीक जो बना है,
ये 3% नीचे हो और ये 3% ऊपर हो, या फिर ये फर्स्ट पीक जो बना है ये 3% ऊपर हो और ये 3% नीचे हो, ये 3% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये 3% से ज्यादा है तो हम वी विल नॉट कंसाइडर इट एज डबल टॉप पैटर्न, हम इसको डबल टॉप पैटर्न नहीं कहेंगे। तो इसमें दो चीजें मेन देखने वाली होती हैं कि ये जो पीक है इनकी जो डिफरेंस है दोनों का वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्लस जब ये फर्स्ट पीक बनाने के बाद जब ये करेक्शन करता है वो करेक्शन 10 और 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से 20% के बीच में होनी चाहिए, तब उसको हम जो है डबल टॉप पैटर्न उसको हम कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम इसको किस तरह से अब हम इसको ट्रेड करना है। तो ये देखिए ये जो इसका करेक्शन हुआ है, करेक्शन को हम यहां पर इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब करेक्शन को हमने यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, अब इसके बीच का डिफरेंस देखना है हमने, इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आइए देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस जो है 590, 590 और एंड यहां पर हम इसको 657, तो यहां पर नियर अबाउट 67 यहां पर जो है इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है, जो बीच का गैप है, जो बीच में इस स्टॉक ने जो ट्रेड किया है वो डिफरेंस ही इसका टारगेट होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं इसका बता देता हूं, स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस आप इस पीक के ऊपर रख सकते हैं, जैसे इसका हाई जो है 657 रुपीज है तो आप इससे 1% या आधा परसेंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेकंड आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है आप वहां पर जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थर्ड जो है यहां पर जो आप देख रहे हैं लोअर हाई जो बना हुआ है, मीन्स यहां पर जो एक लोअर हाई बना हुआ है आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रखने के देखिए तीन तरीके होते हैं, मैं स्टॉप लॉस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। ज्यादातर लोग जो है स्टॉप लॉस के चक्रों में जो है अपना टाइम खराब करते हैं। तो स्टॉप लॉस देखिए बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं स्टॉप लॉस के बारे में बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए दूंगा। फर्स्ट ये टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न की वीडियोस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब जो है आप लोगों को पता लग गया कि देखिए, और अपनी एंट्री कहां पर होनी है, एंट्री जो भी इसका यहां पर आप जो मैंने आपको बताया करेक्शन जो है, करेक्शन के नीचे एक कैंडल आपने क्लोज हो लेने देना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर करेक्शन का जो लो है जो मैंने बताया कि 10 से 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका लो मान लीजिए ये है 593 रुपीज, तो 593 के नीचे आपको एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 592 पर ऑर्डर रख दिया है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आप जो है मतलब ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं और जो है मतलब स्टॉक ऊपर की तरह रिवर्स कर जाता है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहां पर आपने एक कैंडल क्लोज हो लेने देना है और यहां पर जो आपको स्विंग हाई दिख रहा है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस सकते हैं। देखिए एंट्री आपको ये पता लग गया, ठीक है। जो जो यहां पर करेक्शन हुई है, करेक्शन के नीचे एक कैंडल क्लोज होने दी हमने, तो ये करेक्शन 593 रुपीज की थी, जो ये कैंडल क्लोज हुई ये कैंडल क्लोज 582, तो हमने अब इसके नीचे जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। देखिए अब एंट्री की बात क्लियर हो गई। स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है आप उस पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो स्विंग हाई आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पर आप बहुत ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं फिर जो ये फर्स्ट पीक का जो हाई लगा हुआ है इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। अब स्टॉप लॉस की बात भी हो गई, अब आते हैं हम टारगेट पर। तो टारगेट जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके बीच में जितना डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस 57 रुपीज का है, तो 57 रुपीज ही हमारा टारगेट होगा जहां से इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और जो है टारगेट तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसको मतलब ये पहचानने की कोशिश करनी है कि डबल टॉप पैटर्न कहां बन रहे हैं। डबल टॉप पैटर्न के लिए अगर आप चाहें तो अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक रैली मस्ट है, एक रैली होनी जरूरी है, एक अप ट्रेंड में स्टॉक आया हुआ हो, अप ट्रेंड में आने के बाद स्टॉक थोड़ी देर के लिए पॉज हो, ठीक है, और वहां से 10 से 20%, नॉट मोर देन 20%, ओनली इट शुड बी 10 to 20%, करेक्शन शुड 10 to 20%, 10 से 20% से ज्यादा करेक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड फर्स्ट पीक हाई एंड सेकंड पीक हाई, दिस डिफरेंस नॉट शुड मोर देन 3%, इन दोनों का डिफरेंस जो प्राइस का डिफरेंस है ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इफ इट इज मोर देन 3% दैट डोंट कंसिडर इट डबल टॉप पैटर्न, अगर ये 3% से ज्यादा है तो इसको डबल टॉप पैटर्न आप इसको नहीं कह सकते। तो देखिए इस तरह से डबल टॉप पैटर्न बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि पिछले टाइम में किन किन स्टॉक में डबल टॉप पैटर्न बने थे, मैं आपको कुछ स्टॉक के बारे में बता देता हूं। तो लास्ट जो है बना था मारुति में, मैं मारुति के बारे का चार्ट खोलता हूं और मारुति का आप चार्ट यहां पर देखेंगे, मैंने शायद यहां पर ड्रॉ भी करके रखा हुआ था। तो यहां पर ये देखिए ये बना हुआ है आपका, ये देखिए ये डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है।
तो आपने यहां पर देखा, देखिए कि ये जो है एक रैली करके आ रहा है नीचे से। नीचे प्राइस आप देख सकते हैं 3700 रुपीज, एंड फर्स्ट पीक प्राइस इज 9900 रुपीज। मतलब यहां से ये दिस हैज बिन नो व्हाट मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुना हो चुका है। तो मतलब आपने यहां पर देखा, एक इसके लिए देखिए जो सबसे पहला पॉइंट जो चाहिए, एक इसके लिए एक रैली चाहिए। नीचे से एक रैली हो रही है, रैली होने के बाद ये जो अब जो इसकी करेक्शन हो रही है, ये करेक्शन 10 से 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड, जो सेकंड पीक जहां पर बनेगा वो प्राइस और फर्स्ट पीक का प्राइस, ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए, हमने एंट्री देखिए, आप यहां पर दो तरीके से ले सकते हैं। एक यहां पर अगर आप कैंडल कंफर्मेशन, कैंडल स्टिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तब आप यहां पर कैंडल कंफर्मेशन की बदौलत यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। बट यहां पर जो लॉजिक होता है एंट्री लेने का, वो लॉजिक ये होता है कि जो इसका मतलब लो लगा हुआ है, ये जो करेक्शन हुई थी, करेक्शन का जो लो लगा था, करेक्शन का जो लो लगा था, लो के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देता है, उसके नीचे हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आप यहां पर कोई भी स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप पीक, दोनों पीक के ऊपर रखिए, ठीक है। तो टारगेट ये जो इसके बीच का डिफरेंस है, तो इसके बीच का डिफरेंस का जो है 8300 रुपीज एंड 9900 रुपीज, तो 1400 रुपीज का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए 1400 रुपीज का डिफरेंस, यस ये बहुत आसानी से ये हो चुका है। अब ये देखिए यहां पर 8300 और यहां पर जो है 5400, तो नियर अबाउट 3000 पीस का टारगेट जो है, 2 टाइम्स का टारगेट यहां पर आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट, अपनी एंट्री जो है डिसाइड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और बताता हूं, अभी मैंने मारुति बताया, अभी मैं एशियन पेंट में, हाँ ये एशियन पेंट में भी बना था डबल टॉप पैटर्न, मैंने इसको ट्रेड भी किया था। तो एशियन, सॉरी एशियन पेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे। एशियन पेंट कहाँ गए भाई, चलिए एशियन पेंट अभी नहीं आ रहा है। तो मैं, चलिए अभी मेरे पास और भी हैं, बीपीसीएल, बीपीसीएल में भी ये चार्ट पैटर्न बना था, तो बीपीसीएल में देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ भी यहां पर करके रखा हुआ है। तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं, नीचे से एक रैली में आ रहा है बीपीसीएल का जो स्टॉक है, नीचे से कंटिन्यू एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए इसने फर्स्ट पीक बनाई है। फर्स्ट पीक बनाने के बाद इसने जो है, इसकी जो करेक्शन हुई है, ये 20% से ज्यादा नहीं है। और जो है सेकंड पीक भी, जो देखिए इसका जो हाई लगा हुआ है, ये हाई है 545 रुपीज एंड सेकंड पीक हाई इज 549 रुपीज, देन इट इज नॉट मोर देन 3%, ये 3% से ज्यादा नहीं है। अभी यहां पर जो इसका ब्रेकआउट होगा, जो इसने मतलब जो इसका करेक्शन जो हुआ है, करेक्शन का जो यहां पर ब्रेकआउट होगा, तो यहां ब्रेकआउट पर हम अपना यहां पर ट्रेड ले लेंगे। ब्रेकआउट यहां पर हुआ, एक कैंडल क्लोज हुई, हमने यहां पर उसके नीचे अपनी जो है अपना एंट्री रख दी। स्टॉप लॉस हमारा यहां पर है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, ठीक है। और ये टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, देखिए जो इसके अंदर का प्राइस है, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट 2 टाइम्स और थर्ड टारगेट 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट टारगेट पे अपना 50% टू 70% जो है अपना जो है क्वांटिटी बुक कर लेनी है, उसके बाद बाकी आपको ट्रेल करते जाना है। बाकी चलिए मैं आपको और बता देता हूँ, सॉरी हाँ, रिलायंस में बना था, रिलायंस में मैंने ट्रेड किया था इसको, मैं जो है याद है मेरे को, तो रिलायंस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए अभी मैं जल्दी की बात बता रहा हूँ, ये देखिए रिलायंस में ये जो फर्स्ट पीक जो बनी थी, ठीक है, फर्स्ट पीक बनने के बाद यहां पर सेकंड पीक बनी थी, तो इसमें मैंने शायद इंट्राडे ट्रेड लिया था, तो वो बुक भी कर लिया था। अब मैं बताता हूं आपको एशियन पेंट के बारे में, ये देखिए एशियन पेंट आ गया अब। तो एशियन पेंट के बारे में जैसा मैं आपको बता रहा था, ये देखिए यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू एक रैली होती हुई आ रही है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू एक यहां पर रैली दिखी है, रैली दिखने के बाद ये देखिए अब जो है इसका जो प्राइस जो है, हाई जो लगा हुआ है, दैट इज 1916 रुपए का हाई लगा हुआ है। और जो इसकी जो करेक्शन हुई है, वो करेक्शन जो है 20% से ज्यादा नहीं है। सेकंड जो ये हाई लगा हुआ है, फर्स्ट 1916 रुपीज था और दूसरा भी 1916 रुपए है, 1915 रुपए 90 पैसे। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए कितना अच्छा शूटिंग स्टार एक कैंडल भी यहां पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कैंडल स्टिक की जो है बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तब तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है, जो ये करेक्शन यहां पर जो हुई है, ये देखिए ये जो करेक्शन हुई है, अब यहां पर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, तो मेरे हिसाब से जो है 1:2 अपना टारगेट यहां पर अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप अपना यहां पर रखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, तो देखिए आप अगर कोई भी चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है,
तो आपको जो है मतलब जो है मस्ट जो चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज है मनी मैनेजमेंट। आपको मनी मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, रूल फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकते। सो आप मनी मैनेजमेंट को जो है टॉप पर रखिए। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट देखिए, मनी मैनेजमेंट एक ऐसा फंडा है, अगर आप 5 ट्रेड कर रहे हैं, 5 ट्रेड में आपके 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए और आपके 2 ट्रेड से प्रॉफिटेबल हैं, तब भी एंड ऑफ द डे आप जो है प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ये मनी मैनेजमेंट का मतलब एक समझ लीजिए बहुत अच्छी चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं स्टॉप लॉस के बिना काम करते हैं, तो स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होता कि स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ही बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह पर रखा हुआ है, आपकी आपने जो है ट्रेड सही किया हुआ है, तो आपको देखिए स्टॉप लॉस वो हिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस के बिना काम मत करिए, ऐसा ना हो कि एक स्टॉप लॉस जो है आपका सारा अकाउंट साफ कर दे। तो बिना स्टॉप लॉस के आप काम मत करिए, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं ये चार्ट पैटर्न आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, अब आपको चीजें ये समझ में आ रही होंगी। और कुछ मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनकी मतलब कंटिन्यू एक इश्यू आ रहा है कि मतलब सर प्लीज मेक वीडियो इन इंग्लिश, तो उन लोगों को भी मैं बता देता हूं कि मैंने अभी जो है इंग्लिश का एक नया चैनल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करूंगा। उसमें मैं जो है टेक्निकल एनालिसिस की टोटल ऑल वीडियोस जो मैंने यहां पर बना के कंटिन्यू बन रही हैं, वो वीडियो वहां पर भी आएंगी। तो अभी चार्ट पैटर्न के देखिए कुछ ज्यादा पैटर्न नहीं रह गए हैं, आप मेरे हिसाब से 5 से 7 पैटर्न और होंगे जो मतलब जो देखिए मैं पैटर्न वो बताऊंगा जो मार्केट में चीजें काम करती हैं। फालतू की चीजें बताकर यहां पर आपका टाइम वेस्ट करूं, अपना टाइम वेस्ट करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। चीजें वो सीखिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप एक एक चीज सीखिए सिर्फ, बट उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 50 चीजें सीख ली, ठीक है ना, बट आपको अंदर की चीजें आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप चीज एक सीखिए बट एक्सपर्ट हो जाइए। तो मैं आपको यहां पर जो चार्ट पैटर्न बताऊंगा, वही चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो मार्केट में काम करते हैं, जो आप लोग के लिए बेनिफिट बनाकर, जो आपको प्रॉफिट बनाकर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है डबल टॉप, ये था डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर, ये है। इसके बाद मैं जो सीरीज चालू करूंगा वो कैंडल स्टिक पैटर्न की चालू करूंगा। कैंडल स्टिक पैटर्न में देखिए, आपने तो चार्ट के पैटर्न को देखते हुए आपने ट्रेड ले लिया, बट जो है कंफर्मेशन जो होती है वो तो कैंडल स्टिक देख के ही आती है ना। कैंडल स्टिक होती है, कुछ इसमें पैरामीटर और होते हैं जो देखने होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो जो भी मेरे नए दोस्त अभी जो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज जो है वीडियो लाइक जरूर कर दिया करिए। इससे जो है मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो मैं मेरा देखिए मैं अंदर से जो है ना मतलब मेरे को एक उम्मीद हो जाती है कि हाँ लोगों की वीडियो पसंद आ रही, तो मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं, ठीक है ना। तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर वीडियो अच्छी नहीं है तो आप लोग को लाइक करना ही करना है, नहीं, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करिए, मुझे पता लगे ना कि मेरे अंदर कमियां जो है मतलब मुझे पता लगनी चाहिए। और जो है जो भी मेरे नए दोस्त वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की आपको पता चलती रहे, ठीक है। बाकी घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, थैंक यू।